तो पिता या माता, ये हमारे संबंध जरूर होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये भाव प्रधान चीजें होती हैं। फिर उसमें मेरा तेरा नहीं रहता, वो पिता होते हैं, माता होते हैं। इसीलिए माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है तो पिता की आत्मा से बच्चा जन्म लेता है, इसीलिए उसे आत्मज या आत्मजा कहा जाता है। कि घर की बुनियादें दीवारें, बाम और दर थे बाबूजी। घर की बुनियादें दीवारें, बाम और दर थे बाबूजी, और सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। उनकी ही आवाज हमें हर सुबह जगाया करती थी, उनकी ही आवाज हमें हर सुबह जगाया करती थी। सारे घर का अनुशासन क्या, सारा घर थे बाबूजी। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता, भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। अलग, अनूठा, अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। और तीन मोहल्लों में उन जैसी कदकाठी का कोई न था। अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। तीन मोहल्लों में उन जैसी कदकाठी का कोई न था। अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। और अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है, अब तो उस सूने माथे पर कोरेपन की चादर है। अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन, कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। कोई भी रचना तभी कालजयी होती है जब उस रचना को पढ़ने वाले या सुनने वाले का अपना अनुभव उस रचना के साथ जुड़ा। ये सफलता होती है रचना की और रचनाकार की कि जब संबंधों से हटकर रचनाकार भाव पर ले जाता है। तो पिता या माता, ये हमारे संबंध जरूर होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये भाव प्रधान चीजें होती हैं। फिर उसमें मेरा तेरा नहीं रहता, वो पिता होते हैं, माता होते हैं। इसीलिए माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है तो पिता की आत्मा से बच्चा जन्म लेता है, इसीलिए उसे आत्मज या आत्मजा कहा जाता है। और आप सुनेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप सबको लगेगा कि आप सबके पिता के लिए ये लिखी गई है।